हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वेनसडे की दोपहर से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ दीसू को लेने और मैं दीसू को लेकर आ गई हूँ। तो देखिए, मैंने बोला था ना कि आमले का जो ये डाल है ये गिरने वाला था, तो इसे आज कट करने के लिए दो आदमी आए हुए हैं। तो इसे जब कट करेंगे ना तो ये गिरेगी मेरी। देखिए, फूल के पेड़ सारे मेरे ख़त्म हो गए, फूल के पेड़ के ऊपर ही गिर गया। तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो काटना ही था इसे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। तो शाम को ये मेरे कपड़े जो है ना, ये सूख गए थे तो इन्हें उठाने के लिए आई हूँ। तो देखिए अभी हम दोनों की हालत, तो अभी उठे हैं, तो अभी फेस वॉश करेंगे, कंघी करेंगे। सबसे पहले तो कपड़ा उठा लेते हैं। और धूप मुंह पर लग रही है तो पूरा पीली दिखाई दे रही है। और आज ये वाली पेड़ काट दी है ना, वो यहाँ से काट दी, और उसके बदले क्या हुआ है देखेंगे। देखिए मेरे फूल का पेड़ को क्या कर दिया, पूरा ख़त्म हो गया। ये वाली फिर भी थोड़ी सी बची है और ये वाली भी ऐसी हो गई। तो क्या करेंगे बोलिए। अभी इसे, और यहाँ पर मेरा देखिए बीच में ये हल्दी का पेड़ था वो भी मर गया, और इस पेड़ के लिए मुझे बहुत दुख लग रहा है। तो देखती हूँ, इसे कल काट देंगे। देख रहे हैं पूरी चीटिया, वो देखिए। ये कपड़े उठाकर लाई हूँ, अब रखूँगी। और ये साड़ी मेरी जो दुर्गा पूजा है ना पिछले साल की, उसकी है। तो ये मैंने इस पूजा में पहन ही नहीं पाई क्योंकि बारिश हो रही थी, तो जा ही नहीं पाई, तो पहन ही नहीं पाई। वो ऐसे नई की नई ही रह गई। तो बीच में मैंने इसे एक या दो बार पहना था, पूजा में गई थी, फिर एक बार हमारे रिलेटिव्स के घर गई थी तब। तो इस बार सोच रही हूँ आगमनी देखने जाऊँगी तो यही पहनूँगी। तो इसे धो लिया है, इसके साथ जो ब्लाउज़ है उसे भी धो लिया है। तो चलिए अभी ये मैं ठीक कर लेती हूँ। ये वाला ही है जो झंडा लगा है। तो फ्रेंड्स, ये शाम का व्लॉग है। तो दीसू के पापा ना, हम लोग मार्केट जाके आ रहे थे, तो दीसू के पापा ने बोला कि चलो थोड़ा ये नदी की साइड जाकर आते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो फिर हम ये नदी की साइड जा रहे थे, और ये छोटा सा एक रिसोर्ट खुला है मेरे घर के पास। तो ये नदी के साइड जाकर ना बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए सूरज डूब रहा है और बहुत प्यारा लग रहा था, और सुकून भी मिल रहा था ना इस साइड आकर। तो फिर अभी हम फिर से घुर कर वापस घर जा रहे हैं। तो घर जाने के बाद मैंने फिर कुछ सूट नहीं किया। तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, थर्सडे की। तो दीसू आज जल्दी उठ गई थी और उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो सुबह अगर जल्दी उठ जाए तो अच्छा ही है। रिवीजन फटाफट करा कर फिर नाश्ता करा देने से ना थोड़ा टाइम बच जाता है मेरा भी, नहीं तो बहुत जल्दीबाजी में करना पड़ता है काम वगैरह, उसे नाश्ता देना, रेडी कराना सब। तो आज जल्दी उठ गई है, उसे मैंने ब्रश करा दी है, तो अभी उसे पानी देकर आई हूँ एक कप में, तो वो कुल्ला कर रही है। तब तक मैं ये ठीक, और देखिए आ गई दीशू। तो अभी उसका फेस जो है ना उसे मैं पोंछ दूँगी। तो ये स्पीड बढ़ाई हुई है वीडियो की, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत रगड़ रगड़ कर उसका फेस जो है ना उसे पोंछ रही हूँ, पर ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ही कर रही थी। तो कुल्ला कर कर आई है ना, खुद से कुल्ला करने के लिए दिया है, तो ड्रेस पूरा भिगो दी है। तो अभी बोल रही है मुझे फ़्रॉक पहना दो, तो फ्रॉक पहना दे रही हूँ। और आज मैं ना बार बार कैमरे की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार ना कैमरा ऑन करना ही भूल जा रही हूँ, रिकॉर्डिंग का बटन जो है वो तो ऐसे ही रह जा रहा है, और मैं वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं बार बार देख रही थी कैमरा ऑन है कि नहीं, कैमरा ऑन है कि नहीं। तो और ये दीशू कुछ कुछ बोल रही है, तो चलिए हम फटाफट ना मैं ये बेड वेड ठीक कर लेती हूँ, फिर आलने पे कुछ कपड़े हैं उसे ठीक कर लूँगी, उसके बाद मुझे दीशू का बाल बनाना है।
तो रूम सारा अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, कपड़े वगैरह सब अपने अपने जगह में रख दिए। तो अभी मैं दिसू को ना कंघी कर दे रही हूँ, तो एक पोनी बांध दूँगी, उसे पसंद है पोनी बांधना। उसके बाद मैं उसे रिवीजन के लिए बिठा दूँगी। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कल लास्ट है एग्ज़ाम उसका, जीके, उसके बाद ख़त्म। तो अभी पोनी वोनी बांध कर फिर रिवीजन करने के लिए बिठा दूँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग हैं ना अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बस इतना बोलेंगे हाँ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। पर जो हुआ है उसे सुधारिए ना, आप सुधारते क्यों नहीं हो, बार बार वही गलती रिपीट करते हो, फिर ये चाहते हो कि आदमी आपको माफ़ कर दे। कौन माफ़ करेगा आपको, कितनी बार माफ़ करेगा? सिर्फ आप इमोशनल होकर ड्रामा करोगे कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आप उस गलती को सुधार ही नहीं रहे हो। तो फिर आप मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है बोलकर दूसरों को क्यों इरिटेट करते हो? तो जियो अपनी लाइफ जैसे जीना है भाई। मैं तो अभी क्या बोलूँ, मैं हार मान गई, आप जियो जैसे जीना है। तो अभी मैं दिसू को रिवीजन करा लूँगी, और दिसू का रिवीजन कराते कराते दिसू के पापा आ गए। ये दिसू के पापा मुझे कुछ कुछ बोल कर चिढ़ा रहे थे, तो मैं हंस कर रिप्लाई दे रही थी। तो आज लंच में मैंने बनाया था फ़िश, तो ये दो पापदा फ़िश स्पेशली दिसू के लिए देकर गए हैं, जो मच्छी वाला था ना वो। और ये सुबह मैंने लाव भाजा बनाया था रोटी के साथ खाने के लिए, तो वो है। और इसी के साथ है पोटल भाजा, और इसके साथ पेपे वाली दाल थी, पेपे मतलब पपीता वाली दाल। और इसके साथ था ना मच्छी, जो कि मैंने टोमेटो के साथ बनाई थी, सरसों के साथ कोई नहीं खाता है आजकल मेरे घर में मच्छी। तो आज का यही लंच था फ्रेंड्स, तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।